दोस्तों आज के वीडियो में हम ऐसे तीन साइकिल के बारे में बात करेंगे जिनकी प्राइस अंडर 7000 है। हरकुलस कॉम्बैट, हरकुलस स्ट्रीट राइडर और हरकुलस टेसल, ये उन तीन साइकिल्स के नाम है जिनके बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो फिर चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। साइकिल से रिलेटेड ऐसे और वीडियोज आप देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों हरकुलस टेसल हो या हरकुलस कॉम्बैट या फिर हरकुलस स्ट्रीट राइडर, ये तीनों साइकिल्स आपको 24 और 26 इंच व्हील साइज में मिल जाती है। दोस्तों सबसे पहले हम हरकुलस कॉम्बैट साइकिल के बारे में बात करेंगे। हरकुलस कॉम्बैट की फ्रेम अगर देखें तो काफ़ी स्ट्रांग लगती है। स्टील फ्रेम है जिसकी साइज है 17 इंच। स्ट्रांग इनबिल्ट केयर है जो काफ़ी डिफरेंट लगता है। कंपनी के हिसाब से जिसकी लोड कैपेसिटी है 30 kg। हरकुलस कॉम्बैट आपको रेड कलर के अलावा ब्लैक कलर में भी मिल जाती है, तो चॉइस आपकी है, आप कौन सा कलर पसंद करते हैं। दोस्तों हरकुलस कॉम्बैट, हरकुलस टेसल और हरकुलस स्ट्रीट राइडर के फ्रेम पर जो ग्राफिक्स है वो आपको स्टिकर्स मिल जाते हैं, ना कि वाटर कलर, इस बात का ध्यान रखिए। ब्रेक्स की बात करें तो हरकुलस कॉम्बैट में वी ब्रेक मिलते हैं जिनकी वर्किंग काफ़ी स्मूथ होती है। अलॉय ब्रेक लीवर और ब्लैक कलर में ब्रेक केबल दी गई है। वैसे तो वी ब्रेक स्मूथ और अर्जेंट होते हैं, बट मेंटेनेंस के समय वी ब्रेक रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो फ्यूचर में आप वी ब्रेक निकाल कर कैलिपर ब्रेक इंस्टॉल कर सकते हैं। अब व्हील्स की बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया इन तीनों साइकिल्स में आपको 24 और 26 इंच व्हील साइज मिल जाती है, तो आप अपने हाइट के हिसाब से व्हील साइज चॉइस कर सकते हैं। हरकुलस कॉम्बैट में आपको स्टील रिम, ब्लैक हब और ब्लैक स्पोक मिल जाते हैं। साथ ही टायर्स पर आप हरकुलस का ब्रांड नेम देख सकते हैं। फ्रंट और रियर में स्टील मडगार्ड है विथ रिफ्लेक्टर मडगार्ड जो ब्लैक कलर में है। न्यू डिज़ाइन पीवीसी चेन कवर है, कुछ साल पहले जो चेन कवर मिला करते थे उनसे काफ़ी डिफरेंट है। इन सब के अलावा हरकुलस कॉम्बैट में सॉफ्ट सीट है जिस पर हरकुलस का ब्रांड नेम है। पीवीसी पैडल है विथ रिफ्लेक्टर, और दोस्तों रिफ्लेक्टर काफ़ी ज़रूरी होते हैं जब आप नाइट में साइकिल राइडिंग करते हैं। सर स्टैंड दिया गया है जो साइकिल सपोर्ट के लिए ज़रूरी होता है। एक और बात दोस्तों, हरकुलस कॉम्बैट आपको ड्यूअल सस्पेंशन में भी मिल जाती है जिस पर मैंने वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये थी हरकुलस कॉम्बैट साइकिल के बारे में जानकारी। आगे हम बात करेंगे हरकुलस टेसल और हरकुलस स्ट्रीट राइडर के बारे में। उससे पहले हरकुलस कॉम्बैट साइकिल के प्राइस की बात करें तो साइड में आप उसकी प्राइस देख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हरकुलस टेसल और हरकुलस स्ट्रीट राइडर के बारे में। वैसे भी इन दोनों साइकिल्स पर मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है और उन वीडियोस में इन दोनों साइकिल्स बारे में डिटेल में जानकारी दी है। फिर भी अब बात करते हैं हरकुलस स्ट्रीट राइडर के बारे में। हरकुलस स्ट्रीट राइडर एक स्पोर्टी फ्रेम डिज़ाइन में मिल जाती है जिसमें इनबिल्ट कैरियर है। ये साइकिल आपको रेड कलर के अलावा ब्लू कलर और ब्लैक कलर में मिल जाती है। फ्रंट और रियर में ओरिजिनल हरकुलस के पीवीसी मडगार्ड दिए गए हैं जिससे साइकिल का लुक काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। अगर ब्रेक्स की बात करें तो हरकुलस स्ट्रीट राइडर में भी वी ब्रेक मिल जाते हैं जो कि अर्जेंट और स्मूथ होते हैं। अब व्हील की बात करते हैं तो ब्लैक रिम और ब्लैक हब है जिसमें आपको फ्रंट में 36 स्पोक और रियर में भी 36 स्पोक मिल जाते हैं। रिजिड फोर्क और नॉर्मल हैंडल बार है जो आपको सभी रेंजर साइकिल में मिल ही जाता है। इस साइकिल में भी आपको न्यू डिज़ाइन चेन कवर, पीवीसी पैडल और सॉफ्ट सीट मिल जाता है। अब बात करते हैं प्राइस की, तो हरकुलस स्ट्रीट राइडर की प्राइस आप साइड में देख सकते हैं और ये प्राइस आपके सिटी या गांव में कम ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों आज जिन तीन साइकिल बारे में बात कर रहे हैं उन्हें आप स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या घर कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों साइकिल्स में आपको इनबिल्ट कैरियर मिलते हैं जिस पर आप स्कूल बैग या कुछ सामान रख सकते हैं। अब हरकुलस टेसल के बारे में बात करते हैं। 18 इंच फ्रेम की साइज़ है, वाई टाइप फ्रेम की डिज़ाइन है जिसे बॉयज़ हो या गर्ल्स कोई भी आसानी से चला सकता है। यहाँ पर भी आपको इनबिल्ट कैरियर और अट्रैक्टिव ग्राफिक्स मिल जाते हैं। हरकुलस टेसल आपको रेड कलर के अलावा ब्लैक कलर में भी मिल जाती है। इस साइकिल में कैलिपर ब्रेक दिए गए हैं जो आप किसी भी साइकिल शॉप में रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप खुद भी रिपेयर कर सकते हैं। फ्रंट और रियर में स्टील मडगार्ड मिल जाते हैं, साथ ही पीवीसी न्यू डिज़ाइन चेन कवर और रिजिड फोर्क है जिस पर हरकुलस का ब्रांड नेम देख सकते हैं। साइड स्टैंड और सीट मिल जाता है, सीट को सॉफ्ट तो नहीं कहूँगा पर ठीक है। प्राइस की बात करें तो साइड में आप उसकी प्राइस देख सकते हैं। दोस्तों हरकुलस टेसल और हरकुलस स्ट्रीट राइडर के बारे में आपको शॉर्टकट में जानकारी दी है,
क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। फिर भी अगर आप इन दोनों साइकिल्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इन दोनों साइकिल्स की वीडियोज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इन तीनों साइकिल्स में आपकी कौन सी फेवरेट है कमेंट में जरूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही। साइकिल रिव्यू, साइकिल मेंटेनेंस, ऐसी और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। ख्याल रखना अपना और अपनों का। थैंक यू दोस्तों।